नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ज्वाइन इंडियन नेवी का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको ना पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ईमेल आईडी की। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किसी भी ब्राउज़र में आ जाइए और उस ब्राउज़र को आप डेस्कटॉप साइट पर कर लीजिए। तो हम अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपको करना क्या होगा, गूगल पे टाइप करना होगा सरकारी रिजल्ट.com। टाइप करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, और आपको सिंपल से नीचे आना होगा और यहाँ पे नेवी SSR AA MR एडमिट कार्ड, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल से नीचे आना होगा और आपको जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, SSR का डाउनलोड करना है या AA का या डाउनलोड एडमिट कार्ड MR का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हमें MR का डाउनलोड करना है तो हम MR पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस मिलेगा, योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से इसे आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना होगा। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगा। सबसे पहले अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि आपको एडमिट कार्ड किस लैंग्वेज में चाहिए। तो मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, तो अपना एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो मैं आपको बता दूँ आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से डालना है, डैश डाल के। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ से कैप्चर कोड डालना होगा, तो हम कैप्चर कोड डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके सा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है इस तरीके से। तो आप दोस्तों इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।